म्यूजियम में आए थे तो यहाँ पर उन्होंने वो बिरसा मुंडा की जो आदमकद प्रतिमा है, आदमकद प्रतिमा पर उन्होंने ये आदमकद प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। उनके साथ गवर्नर भी थे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा थे और साथ ही साथ दूसरे लोग थे। तो लगातार इस तरह से चल रहा है और प्रधानमंत्री अभी अंदर में जो वो रूम है वहां पर जी दिवाकर, ये जो स्थान है ये बेहद खास है अपने आप में, क्योंकि ये वही पुराना जेल है जो बेरक नंबर 4 जहां पर भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम दिन गुजारे थे। जी, ये वही बैरक है जहां भगवान बिरसा मुंडा का एक जो हम कह सकते हैं कि योगदान और किस तरीके से आदिवासी समाज ने जो देश की आजादी में अपना योगदान दिया है उसका अंग्रेजों का के खिलाफ जो लड़ाई थी, मात्र 25 साल वो जीवित रहे थे और 25 साल में ही उन्होंने उल गुलान को एक नया आयाम दिया था। उसके जरिए अंग्रेजों का जो यहाँ पर राज था उसको उन्होंने हिलाकर रख दिया था और उसके बाद लोग जो थे वो बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजने लगे, उनको भगवान का दर्जा दिया गया। तो लगातार जो भगवान बिरसा मुंडा की जो आदिवासी समाज में जो उपलब्धि है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को यूनाइट किया, एक सबसे बड़ी बात कि इन्हें भगवान के रूप में भी क्यों पूजा जाता है कि इन्होंने जो आदिवासी समाज, जो जनजातीय समाज था उसमें जो नशापान की प्रथा थी उसके खिलाफ उन्होंने उलगुलान किया, उन लोगों में ये जागरूकता लाने की कोशिश की कि इसके जरिए कुछ नहीं हो सकता, तो लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। तो तरह तरह की चीजें उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को बुलंद किया और अंग्रेजी समाज का जो योगदान, अंग्रेजों के खिलाफ जो हम कह सकते हैं जनजातीय समाज की जो लड़ाई है वो कई वर्षों पहले से शुरू हो गई थी। अगर हम सबसे पहले यहाँ के जो आंदोलन की हम बात करें तो संथाल विद्रोह, जिसे कि संथाल हुल के रूप में भी जाना जाता है, वो संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार इनके खिलाफ किया गया था। राजभवन से जब वो निकले तो उन्होंने यहाँ जो जनजातीय संग्रहालय जो बनाया गया है भगवान बिरसा मुंडा के नाम से, पहले इसे जेल के रूप में जाना जाता था, उसे उन्होंने जो केंद्र सरकार की जो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रयास करके देश के कई जो शहर है वहां पर इस तरह के संग्रहालय बनाए गए, उसमें से रांची में ये संग्रहालय बिरसा मुंडा के नाम पर बनाया और इस संग्रहालय में वो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो उनको है श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, माल्यार्पण किया है और वो बैरक भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं जहाँ पर की बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने रखा था और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। तो प्रधानमंत्री देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके जो योगदान है उसको नजदीक से देखना चाहते हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं वो जो जिस इलाके से आते हैं उस इलाके को प्रधानमंत्री नजदीक से देखना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री म्यूजियम में ये दोनों कार्यक्रम और बाकायदा जो यहाँ पर किस तरीके से ये म्यूजियम बनाया गया है, कैसे यहाँ पे लाइट साउंड शो चलता है और भी जो दूसरे योद्धा है उन सभी की यहाँ पर जो है वो आदमकद प्रतिमा लगाई गई है, सभी को प्रधानमंत्री नमन करेंगे, सबको अभी पुष्पांजलि प्रधानमंत्री अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री उनको नजदीक से जाकर अनुभव भी कर रहे हैं और वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री यहां से बिरसा मुंडा की जन्मस्थली कुलिहातू जाएंगे जो खूंटी जिला मुख्यालय है, वहां से करीब 35 किलोमीटर दूर है, तो वहां पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी जो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर उन्होंने जन्म लिया था, जहां पर वो पैदा हुए थे और वहां पर बाकायदा उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे और वहां पर भी एक आदमकद प्रतिमा बनाई गई है, उस प्रतिमा पर भी प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद उनके वंशजों से संवाद करेंगे। तो वंशज काफी उत्साहित है उनके, लगातार हम लोग पिछले कई दिनों से इस चीजों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्सव का माहौल है प्रधानमंत्री के आने को लेकर, लोगों में इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे तो किस तरीके से उनका वेलकम किया जाए, ट्रेडिशनल तरीके से वेलकम करने की वहाँ तैयारी की गई है। उनके वंशज ट्रेडिशनल ड्रेस तो पहनते ही हैं लेकिन उसमें भी आज एक और रंग देखने को मिलेगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए वो तैयार है। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां पर उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनके परिजनों से संवाद करने के बाद सीधे फिर खूंटी आएंगे जहाँ पे खूंटी के जो खूंटी मैदान है, कॉलेज है, उसमें एक कार्यक्रम रखा गया है, सरकारी कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री जो संकल्प विकास भारत यात्रा है उसकी शुरुआत करेंगे। योजनाएं भी चल रही हैं जिसके माध्यम से विशेष रूप से जो पिछड़े वर्ग है, जो जनजातीय समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय हैं या वो लोग जिन्हें सरकार की मदद की जरूरत होती है, तो आप वहां पर हैं, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिलता है, किस तरह से आज ये समुदाय आगे बढ़ रहा है, समाज में अपना योगदान दे रहा है, इस विकसित भारत में किस तरह से इनका योगदान दिखाई देता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमेशा से जो आदिवासी समाज के लोग हैं
झारखंड के जो लोग हैं उनके प्रति एक लगाव रहा है। अगर हम पिछले सालों की बात करें, 2014 से 19 के बीच का दौर की अगर हम बात करें, तो उस दौरान झारखंड के प्रधानमंत्री ने कई जो केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं थी, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, तमाम ये जो बड़े स्कीम थे उसकी लॉन्चिंग उन्होंने यहीं से किया था। ताकि वो ये प्रधानमंत्री ने ये बताने की कोशिश की कि ये जो पूर्वी भारत का जो इलाका विकास की दौर से जो पीछे हो गया है, जिसके पास उस तरह से सुविधाएं नहीं पहुंची है, तो उन्होंने इस तरीके से झारखंड को लॉन्चिंग पैड बनाया और उसके बाद झारखंड से कई विकास योजनाओं की सौगात दी। और आज फिर झारखंड से करीब 24,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना मिशन जो है उसकी शुरुआत हो रही है। साथ ही साथ जो कई प्रकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके प्रचार प्रसार के लिए ये वैन को रवाना आज कर रहे हैं और ये पूरे देश भर में अगले 2 महीने तक ये वैन लोगों के घरों तक पहुंचेगा और उनके घरों तक पहुंचकर उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या है, उनको जानकारी दिया जाएगा और जो लोग फायदा उठाना चाहते हैं उस कैंप में आकर उसका फायदा उठा। तो ये एक 2 बड़ी स्कीम्स की आज लॉन्चिंग। इसके अलावा कई और भी कार्यक्रम है, जैसे IIM जो केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है HRD मिनिस्ट्री का, उसके तहत वहाँ पर किस तरीके से वहाँ जो नया भवन बना है उसकी आज प्रधानमंत्री शुभारंभ करने वाले हैं। पास पहुंच सका और उनका सर काट के पिटोरिया में बिल किशन के पास ले गया। तो पूरी दुनिया के इतिहास में एक दिन आजादी की लड़ाई में प्राण सर करने वाले 150 से 201 परिवार के लोग आपको नहीं मिलेंगे जो इस शहादत में है। दूसरे की जो संथाल हुल हमारा है 1855-56 का, सिद्धो कानो चांद भैरव कुलो झानो, 30,000 लोग जिसमें हर जाति समुदाय के लोग उस इलाके के जमीन को के, और 2 बार उन्होंने हरा दिया अंग्रेजी फौज को, फिर 35 की लड़ाई में हराया, फिर बीरभूम की लड़ाई में हराया। बीरभूम की लड़ाई में तो लेफ्टिनेंट कोल मैन जो है वो मारा गया। तो ये उसके पहले किसी लड़ाई में ब्रिटिशर्स हारे नहीं थे, एक मिथक था उनका कि ये हारते ही नहीं है, टूटा। इस कारण से 1857 संभव हुआ, लोगों को लगा कि नहीं हम इनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो 1857 की लड़ाई के लिए 1855-56 का संथाल हुल होना जरूरी था। फिर वो भागीरथ मांझी है, मन बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन बहुत चले हैं। भागीरथ मांझी ने 1871-68 में वो सफा होड़ो माने स्वच्छ मनुष्य, हम अगर पवित्र नहीं होंगे, हम अपने को स्वच्छ नहीं करेंगे, शराब और वो गंदी चीजें खाना नहीं बंद करेंगे, तो हमारी स्वर्ण युग की वापसी नहीं हो सकती है। उस मूवमेंट को शुरू किया और उनके संगठन से अंग्रेज घबरा गए, गिरफ्तारी हुई 1877 में शहादत। तो पीसफुल मूवमेंट्स भी हमारे यहाँ, जैसा तारा भगत ने गांधी के पहले 1914 में हमारे यहाँ शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक आंदोलन चलाया।